गाइस, मैं खुशी रो आपका स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। काफी दुखद भरी खबर है जो आपको सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी की डेथ हो चुकी है और उस दौरान ही उन्होंने अंतिम संस्कार पे जाने के लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। चलिए इसके ऊपर नजर डालते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए। उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो 23 करोड़ है और उस दौरान ही योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा मीटिंग कर रहे हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए काफी ज्यादा कदम उठाए जा रहे हैं। उस दौरान ही जब दिल्ली के एम्स में उनके जो पापा हैं, उनके जो पिताजी हैं, वो भर्ती थे, वहां पर उनकी हालत काफी दिनों से गंभीर चल रही थी, वेंटिलेटर में भी थे और 89 साल के हैं। और सोमवार सुबह 10:40 पे उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। जब इसके बारे में योगी आदित्यनाथ को खबर दी तब वो टीम 11 के साथ मीटिंग कर रहे थे। हालांकि टीम 11 के साथ मीटिंग करते हुए उन्होंने काफी सारे सुझाव दिए और उस दौरान उनके ऊपर काम करने के लिए भी बोला और उसके बाद इस मामले के बारे में सूचना दी गई। तो उन्होंने अभी फैसला लिया है कि वो अभी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले देश है, देशवासी है। तो गाइस अभी उन्होंने दिखाया है, काफी ज्यादा इमोशनल है ये मामला। तो आप लोगों को हमारी तरफ से जानकारी अगर अच्छी लगी है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए जरूर मनोकामना कीजिए, जरूर अपने मन में एक बात तो जरूर बोली कि उनकी आत्मा को शांति मिली और ये कोरोना वायरस जल्द से जल्द ठीक हो जाए, कमेंट जरूर करते हुए जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत।